हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल हेल्थ हिंदी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग सीएससी के आई एजेंट आईडी से तत्काल टिकट कैसे काटेंगे तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली सबसे पहले हम लोग अपना सीएससी आई डी कर लेते हैं दोस्तों क्योंकि सीएससी में सी एस में हम लोग को पैसा मुझे एड कर लेना है तो यहाँ पे सिंपली सीएससी लॉग इन पे मैंने क्लिक लिया है क्लिक करने के बाद इसका फर्स्ट जो वेबसाइट है वो खुलकर हमारे सामने आ जाएगा तो फर्स्ट वाले वेबसाइट पे मैंने एक क्लिक कर दिया है यहाँ से क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर डाल के, डाल के साइन इन पे क्लिक कर देना है तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के और कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लिया है लॉगिन करने के बाद यहाँ से पहले बैलेंस डाल लेता हूँ दोस्तों अगर आपको पता नहीं कि सी में कैसे बैलेंस डालते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आगे के लिए स्किप कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली हम लोग को वॉलेट पे आ जाना है और यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक करना है ऐड मनी पे आने के बाद यहाँ से पैसा ऐड करना है तो मैं यहाँ पे बारह सौ ऐड कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ या फिर आप कुछ भी डाल सकते हैं उसके बाद यहाँ पे एच डी एफ सी पी जी पे सेलेक्ट करने के बाद एड मनी टू वॉलेट पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों अपना यू पी आई डाल लेना है यू पी आई डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है यू पी आई यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई वी पी ए पर मैंने क्लिक कर दिया है तो हमारा नेम आ गया है उसके बाद में मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और हमारे मोबाइल पे जो रिक्वेस्ट आएगा उस पर यहाँ पे पेमेंट करेंगे यहाँ पे फ़ोन पे खोल लेते हैं और फ़ोन पे खोलने के बाद हमारे फ़ोन पे पर यहाँ पे रिक्वेस्ट आ चुका है और मैं यहाँ पे बारह सौ रुपये पे कर देता हूँगा देख सकते हैं यहाँ पे टॉप अप सक्सेस हो चुका है अब हम लोग आ जाते हैं सी एस सी के आई आर सी टी सी वेबसाइट पर तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं है सी एस सी का नया वेबसाइट लॉन्च चुका, हो चुका है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सी एस सी जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको सी एस सी का नया पोर्टल देखने को मिल जाएगा जैसे सी एस सी सफर लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट में ही एक वेबसाइट आ जाएगा इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा यहाँ पे आपको कट कर देना है और यहाँ पे लॉगिन कर लेना है लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना यूजर आई पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके साइन अप क्लिक कर देना है तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे आवर सर्विसेज पे आना है और यहाँ पे ट्रेन पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे बुकिंग पे क्लिक करना है जैसे ही आप बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है वो यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे मुझे जूनागढ़ से बांद्रा के लिए जाना है तो मैं यहाँ पे जूनागढ़ यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ चाहे या फिर दोस्तों आपके पास अगर किसी भी कस्टमर का है तो आपको यहाँ पे कस्टमर को जहाँ से जहाँ तक जाना है वो यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे तो मेरे पास जो कस्टमर है वो जूनागढ़ से बांद्रा जाना चाहता है तो यहाँ पर मैं बांद्रा लिख कर सर्च करता हूँ जैसे ही बांद्रा आ जाता है तो मैंने यहाँ पे बांद्रा सेलेक्ट कर लिया है सेलेक्ट करने के बाद आपको डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है यानी आप कब का टिकट काटना चाहते हो तो तत्काल टिकट दोस्तों एक डेट आगे का होता है और किसी किसी रूट में दो तीन दिन भी आगे रहता है लेकिन वो आप चेक कर लेंगे यहाँ से तो मुझे कल के डेट में यहाँ पर तत्काल टिकट काटना है तो मैं यहाँ पर जर्नल को हटा कर यहाँ पर तत्काल सेलेक्ट कर लूँगा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फाइंड ट्रेन पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमारे सामने जो भी उस रूट की ट्रेन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर किस ट्रेन में आपको काटना है आप लोग देख सकते हैं तो दोस्तों मुझे उन्नीस दो सौ अठारह ट्रेन नंबर में यहाँ पे काटना है यहां पे देख सकते हैं उन्नीस दो सौ अठारह ये वाला जो ट्रेन है इसी में मुझे काटना है तो मैं यहाँ पे स्लीपर क्लास पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहां पे जो स्लीपर क्लास का आ, बुकिंग है वो खुल रहा है यहां पे प्लीज वेट लिख आ रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं 19 और 16 19 वेटिंग टोटल कटा हुआ है और कुछ लोगों ने कैंसिल किया है इसलिए 16 वेटिंग अभी बचा हुआ है तो मैं यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसमें वेटिंग आ गया हुआ है तो हमारा जो टिकट है वो वेटिंग में कटेगा दोस्तों आप अगर कन्फर्म काटना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ट्रेन है इसमें अवेलेबल इक्यासी सीट अभी अवेलेबल है तो आप यहाँ पर हरा रहेगा और अवेलेबल आपको यहाँ पर शो करेगा तो मैं यहाँ पे वेटिंग ही काटने वाला हूँ क्योंकि कस्टमर को इसी ट्रेन में चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं तत्काल वेटिंग है और ये रेड कलर में शो हो रहा है तो मैं यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करूँगा हालांकि तत्काल वेटिंग ऑनलाइन के जो भी टिकट हैं वो मान्य नहीं होते हैं लेकिन ये जो बुकिंग मैं कर रहा हूँ ये जब चैटलिस्ट निकलेगा तो ये कंफर्म हो जाएगा इसलिए मैं इसको बुक कर रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पे बुक uh, नाउ पे मैं क्लिक कर दिया और बुक नाउ क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कस्टमर का डिटेल्स डालने का ऑप्शन आ जाता है तो यहाँ पे आप पैसेंजर का मोबाइल नंबर डाल देंगे मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे पैसेंजर का नेम डालना है मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहां पे पैसेंजर सेलेक्ट uh, कर लेना है कि आप कितने पैसेंजर का टिकट काटने वाले हैं तो मैं दो आदमी का टिकट काटने वाला हूँ तो यहाँ पे पैसेंजर नेम डाल लेना है यहाँ पे एज डाल लेना है यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस में इसको नो no प्रेफरेंस ही रहने देना है तो मैं यहाँ पे पहले कस्टमर का डिटेल्स दोनों में फील कर लेता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने कस्टमर का जो डिटेल्स है वो फिल कर चुका हूँ उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको अगर बोर्डिंग चाहे तो चेंज कर सकते हैं मुझे चेंज नहीं करना है तो यहाँ पे मैं ऑटो अपग्रेशन पे क्लिक कर देता हूँ ताकि अगर इससे ऊपर वाली क्लास में अगर सीट खाली रहे तो ये ऑटो अपग्रेड भी हो जाए यहाँ पर बुक ओनली कन्फर्म मैं इसलिए नहीं मारूंगा क्योंकि ये अभी मेरा वेटिंग है और मुझे वेटिंग ही काटना है तो इसको मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ और यहाँ पर कुछ नहीं सिलेक्ट करना है उसके बाद इंश्योरेंस के लिए मैं येस कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू बुकिंग पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप कंटिन्यू बुकिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपने जो भी नाम डाला है यहाँ पे आपका नेम शो होगा और उसके बाद यहाँ पे पे करना है तो मैं यहाँ पे 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 क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही पे पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने सी एस सी आई डी का यहाँ पे पासवर्ड डाल लेना है सी एस का पासवर्ड डालने के बाद वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको अपना वॉलेट पिन यहाँ पे डालना होता है तो आप यहाँ पे आपका जो भी वॉलेट पिन है वो यहाँ पे आप वॉलेट पिन डाल लेंगे उसके बाद पे पर क्लिक कर देंगे जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद तो लगभग आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे पे करने के बाद ये हमें आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर ले जाएगा जो सी का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हमें ट्रांसफ़र करेगा और फिर जो हमारे आईआरसीटीसी का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे डालना होता है जब तक वो आप पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक आपका टिकट बुक नहीं होगा यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारे रजिस्टर नंबर पे एक ओटीपी आया है ओटीपी डाल ओटीपी भी डालना है और यहां पे कैप्चा फिल करना है और यहां पे पासवर्ड भी डालना है तो मैं पहले यहाँ पे कैप्चा ओ और पासवर्ड डाल के फिर सबमिट पे क्लिक कर दूंगा तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया और ओ डाल दिया और उसके बाद कैप्चा डालने के बाद मैं सिंपली सबमिट पे क्लिक करता हूँ जैसे ही मैं सबमिट पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे हमारा जो टिकट है वो जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हमारा टिकट सक्सेसफुली बुक हो गया और यहाँ पे टिकट जनरेट हो चुका है तो हम लोग कस्टमर को यहाँ पे प्रिंट करके कैसे देंगे तो यहाँ पे प्रिंट टिकट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो टिकट है वो जनरेट हो चुका है तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सी एस सी के आई आर सी टी सी आई डी से आप कैसे तत्काल टिकट कस्टमर का बुक करेंगे और इससे आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं और दोस्तों आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं आपको रिप्लाई इंस्टेंट दिया जाएगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम